में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। झांसी के मऊरानीपुर में चल रहे निकाय चुनाव में फर्जी आधार कार्ड बनाकर वोट डालने गए युवक को लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। पकड़े गए युवक ने खुद को बोला है कि परिवार के व्यक्ति के नाम से आधार कार्ड बनाकर वोट डालना चाहता था युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ मनीष सैकल। आपका आशीष भाटिया। आशीष जी, क्या मामला हुआ है? क्या ये दूसरे का आधार कार्ड लेके और पहचान पत्र लेके वोट डालने आया? दूसरे का आधार कार्ड विवेक कुमार के नाम से। अच्छा जी, क्या नाम है इसका? और इसका रियल नाम इससे पूछो क्या नाम है? नहीं, इसने बताया, बता रहा है जी अपना नाम। अच्छा, विवेक बता रहा है। ये कहाँ का रहने वाला? कुरैचना का रहने वाला। कुरैचना का। अच्छा, तो अभी प्रशासन ने पकड़ा है? अभी हमने पकड़ा, पहले प्रशासन को जो अपना नाम गलत बता रहा था आधार कार्ड, उसने फर्जी बनवाया और अपना नाम बता के विवेक कुमार बता के अंदर जा रहा था। तो भैया ने नाम पूछा तो बोले विवेक कुमार, तो हमने कहा इसका नाम तो विवेक कुमार है ही नहीं, तो उसको पकड़ा, फिर भैया ने बैठा लिया ने। अच्छा। गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश हुआ प्रारंभ। विद्यालय में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ज्ञान के साथ साथ बच्चों को संस्कारी बनाने का पूर्ण प्रयास। सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय सुयोग्य शिक्षक द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यालय के संचालक हैं दीपेश श्रीवास व प्रधानाचार्य रघुनंदन गौतम। कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधाएं हैं, हवादार कमरे, खेल का मैदान, पुस्तकालय, डिजिटल नॉलेज हेतु कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। प्रत्येक माह मासिक टेस्ट के साथ साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होगी। बच्चों को आने जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही लीजिए गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में एडमिशन और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए उज्जवल। और अधिक जानकारी के लिए 7007021166 और 9695415800 पर कॉन्टैक्ट करें।